अच्छा भाई, आप रश का आलम देख रहे हैं यहाँ पे, फुल टाइट और टाइट जो है ना वो रश पड़ा हुआ है। टमाटर क्या साहब है, ये कितने का? 20 धरम का कितना है? 10 किलो पूरा बेटी, 10 कितने का? 5 धरम कितने किलो है? 3 के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एस यू नो के इंशाल्लाह कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं और आई थिंक जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो रमज़ान स्टार्ट हो भी चुके होंगे, लेकिन जब ये वीडियो बन रही है तो फिर कल से रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा है कि इस पूरे थ्रू आउट रमज़ान में मैं आप लोगों के लिए यूएई में किस तरह से रमज़ान को सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से सेलिब्रेशन होती हैं, किस तरह से डिस्काउंट्स लगते हैं, हमारी कंट्री में तो इस तरह से सेलिब्रेट होता है नहीं होता है, मतलब जो डिफरेंस है और यहाँ पे क्या लाइफ आपको एंजॉय करने के लिए मिलती है इन द मंथ ऑफ होली रमज़ान। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ना मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक पूरी सीरीज बनाऊँ रमज़ान से। तो इंशाल्लाह अपकमिंग, अब आपको थ्रू आउट जो है ना वो रमज़ान के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना टाइम मिल सके मैं उसके अंदर रमज़ान से रिलेटेड जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और किस किस तरह से हम चीज़ें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं कैप्चर करूँ और आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और इसी चेन को स्टार्ट करने के लिए इसका फर्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँ कि जैसे कि रमज़ान में जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इफ्तार में फ्रूट चाट वगैरह और वैसे भी रेगुलरली फ्रूट्स जो है ना वो यूज़ हो रहे होते हैं ज़्यादा। तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के हवाले से, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को अभी वहाँ जाके अगेन दिखाता हूँ कि रमज़ान में हमारी कंट्रीज में तो प्राइस बढ़ जाते हैं भाई, यहाँ पे क्या सीन है, प्राइस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं और जो है वो किस प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, और जो यूएई रेजिडेंट हैं उनके लिए भी कि अपने करीबी मार्ट से सुपर स्टोर से जो फ्रूट हमें जिस प्राइस में मिल रहा है और ये वेजिटेबल मार्केट से हमें जिस प्राइस में मिल रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि सारी चीज़ों के प्राइस आप लोगों को पता चल सके और किस तरह से रमज़ान सेलिब्रेट हो रहा है। थ्रू आउट द मंथ सारी वीडियोज मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आती रहे और पता चलता रहे कि भाई नेक्स्ट वीडियो कौन सी आ रही है और अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब मिलते हैं डायरेक्टली फ्रेश मार्केट के अंदर। हम पहुंच गए यहाँ पे मार्केट और बहुत ठीक ठाक ट्रैफिक है और मतलब एज एक्सपेक्टेड कि डे बिफोर रमज़ान तो सारी आवाम पहुंची हुई है और मतलब अच्छा खासा टाइम मुझे सिर्फ पार्किंग के अंदर एंटर होने में और पार्किंग ढूंढने में लग गया। तो लेट्स सी अंदर की क्या माहौल है। ये देखिए फुल पार्किंग चल रही है और जो है जी ऑल टाइड। अच्छा वैसे तो यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह पहले भी लगी हुई होती हैं, लेकिन आई थिंक सो कि रमज़ान की वजह से इसको रिप्लेस किया जा रहा है और ये सारी नई लाइट्स लगाई जा रही हैं ताकि जो है ना जी रोशनी अच्छी हो जाए और रमज़ान का जो है ना इस्तकबाल अच्छे से किया जाए। तो एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर और फिर आपको प्राइजेज़ वगैरह बताते हैं। अच्छा भाई, आप रश का आलम देख रहे हैं यहाँ पे, फुल टाइट और टाइट जो है ना वो रश पड़ा हुआ है और जो है वो सही भरपूर जो है ना वो बाइंग और सेलिंग चल रही है और प्राइजेस भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। टमाटर क्या साहब है, ये कितने का? 20 दरम का कितना है? 10 किलो पूरा बेटी, 10 किलो। और वो वो भी 20, ये लोकल है 9 किलो। 9 किलो, ये भी 20 का? ये भी 20 का है, ये ले लो 15 दरम 20 दरम टमाटर 10 किलो। ये जी देखें आलू और प्याज जो है ना वो बल्क में आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे होते हैं, रमजान में तो कंजम्पशन होती है आलू की बहुत ज्यादा। ये पाकिस्तान का आलू है भाई? आलू कितने का? 5 दरम कितने किलो है? 5 दरम में 3 किलो। ये एक काफी होगा? हाँ तो नेक्स्ट वीक ले लेंगे ना। और ये प्याज
प्याज का बताओ भाई, पाकिस्तानी है? 18 की। कितना किलो है? कितना किलो है? 3। अच्छा भाई, यहाँ पे ना एक अच्छी सहूलत ये होती है कि आप इस तरह से अगर एक ट्रॉली हायर कर लेना तो आपको ये जो बल्क में आप चीजें उठा रहे हैं, आप जैसे कि हमने 2 छोटे बोरे उठा लिए आलू और प्याज के, तो ये हर वक्त कैरी करना आपके लिए आसान हो जाता है। मतलब अगर आप हाथ में लेके अगर आप इसको चलाएंगे ना तो थोड़ा सा वेट मसला होगा, तो ये आप हायर कर लें तो ये आपके लिए आसानी रह जाती है। अभी क्या है कि आप देखें, जाहिर सी बात है कि मजदूर को थोड़ी मजदूरी भी मिल जाएगी और आपका भी काम आसानी हो जाएगा, तो ये कर लेना चाहिए। आप अपने ईज के लिए कर लें, किसी की हेल्प के लिए कर लें, लेकिन कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। तो अभी आगे चलते हैं, और भी चीजों को हम देख रहे हैं, प्राइजेस आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा, किस तरह से हो रहा। 12 के 2 किलो सही लगाओ, 2 पेटी से ले लेंगे। हाँ देगा, 2 पेटी चोरी तो सही पैसे लगाओ ना। अच्छा 1 रुपया कम दे दियो, तो इसमें इतना फायदा नहीं है। नहीं नहीं, बस 10 लगा लो। 10 मिनट 9 होना चाहिए। हाँ उसमें इतना फायदा नहीं है। वो नहीं करें, देखे के एक ना देखे। ये कितना, 1 किलो है 2 किलो? 2 केजी। अंदर से सही होगा, कीड़ा तो नहीं होगा? अंदर कैसे कीड़ा होता है? वो पेटी दे, अंदर जैसे होता है वैसे होगा कीड़ा। मतलब अंदर जो खराब खराब है सही है। तो जी अमरूद जो है वो वैसे आपको मिल रहे होते हैं 7 दरम 8 दरम पर केजी, और यहाँ पे जो है वो आपको 10 दरम में 2 केजी, और पैक्ड वाला पीस, ये वाला पीस आपको ऐसे मिलता भी नहीं है। ये आप सुपरमार्केट से लेंगे ना तो ये महंगा ही पड़ रहा होगा। तो ख़वातीन की फुल इंस्पेक्शन चल रही है एक एक पीस के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि आपको बल्क में आप ले रहे हैं तो आपके लिए जो है ना वो चेक नहीं करने दिया जाएगा, या फिर जो है वो आप अपने हिसाब से चूज़ नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं, और चूज़ करते हुए आप बड़ी अच्छी प्राइस में चीज़ ले सकते हैं। अच्छा किन्नू जो है ना वो फिर हम ये वाला ले रहे हैं कि वैलेंसिया का किन्नू है ये, और ये हमें मिल रहा है, क्या प्राइस बताएं इसके? 17 तक तो आ गए हैं, 24 पीस के, ठीक है। और वो पाकिस्तान वाले भी हैं, लेकिन वैलेंसिया वाले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसके जूस जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कितना है ये? क्या हिसाब दे रहे हो ये? 8 रुपए दर्जन। थोड़ा ग्रीन वाला ले आओ। हाँ क्योंकि अभी कम से कम 1 वीक तो चले ना ये, तो ये 8 रुपए दर्जन। सीन क्या है कि अगर आप जो है वो अपने पास लेने जाएंगे सुपरमार्केट वगैरह में, तो आपको केजी के हिसाब से बनाना मिल रहा होता है, और यहाँ पे क्या है दर्जन के हिसाब से मिल रहा है आपको। तो दर्जन में आपको क्या बेनिफिट है कि आपको वेट का कोई इशू नहीं है, जितने भी बड़े केले हो, और 8 दरम दर्जन मीन्स के 8 दरम पर केजी भी नहीं मिल रहा भाई वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है, और फ्रूट्स के लिए और वेजिटेबल के लिए तो बड़ी बेहतरीन मार्केट है, मैं पहले भी 10 दफ़ा बता चुका हूँ। अच्छा भाई अभी तक जो है ना वो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और बाकी चीज़ें हम देख रहे हैं। ये वाला सही, तो 3 दाना तुम्हारा माल देगा, 3 दाना देगा। ये जी 28 पीस रॉयल गाला, 28 दरम पर पीस के हिसाब से समझ ले इसको। क्रेड है ये पूरा वहाँ से आता है। ये है सीन भाई, बार्गेनिंग ठीक ठाक हो रही है, और आपको ये देखिए पूरा क्रेड है ना, ये क्रेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से मार्केट बड़ी बेहतरीन है, आपको बार्गेनिंग अच्छी आनी चाहिए और चीजों की पहचान होनी चाहिए। मिल गए भाई, मिल गए टमाटर हमें लूज क्वांटिटी में, थोड़े से नहीं मिल रहे थे। मिल गए मिल गए। कितने के टमाटर? 5 बोल रहे हैं। 5 रुपए के नहीं है ये, यहाँ पे हाथ के हाथ पैसे देंगे। क्या वो मिर्चे ले ली? ले ली सर। ये पकौड़ों के लिए जो है ना वो स्पेशल मिर्चें भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिल रही होती। आप ये देखें, ये वाली जो मिर्चें है ना, ये पकौड़ों वाली मिर्चें हैं आपकी, तो ये भी यहाँ पे आपको मिल रही है। क्या प्राइस है इसको? 2 दाने इसके दे दो। ले लिया
ओके, ये हमने ऑलरेडी ले लिया है और ये 5 धर्म गए, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, खैर मामलात बहुत ज्यादा हैवी हो चुके हैं। ये जी भिंडी की भुजिया आ गई आपकी। ओ भिंडी की भुजिया नहीं, भिंडी की भुजिया बनी है अभी, ये भिंडी है 5 धर्म। कितने हाफ के जी हो गए? 700 ग्राम 5 धर्म, ठीक है भाई। तो ये जो है आपको, और बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, पुरानी वीडियोस में भी आप देखेंगे मेरी, बहुत ही बेहतरीन साफ सुथरी चीज़ों के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि मैस हुआ हुआ है और गंदगी हो रही है। मंडी में आप आए हैं तो आपको मज़ेदार वाली चीज़ें नहीं मिल रही, वो वाला गेम नहीं है। गेम बड़ा अच्छा है, साफ सुथरा है और सुकून से चीज़ें मिल रही होती हैं। और जावेर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा भूख से परेशान है। भूख लग रही है जावेर, आपको फीलिंग हंग्री? हाँ। Oh my God. और बरीरा साहिबा क्या कर रही है, मैं आप लोगों को सबको बताऊं, ये मेरी पूरी वीडियो में आप देखें कि ये आपा क्या कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये सुपरमार्केट में घूम रही है और बिल जो है ना वो आखिर में होगा। ये आती हैं जगह जगह से चीज़ें उठा रही हैं और लाके इसके अंदर रख दे रही हैं कि ये और डैडी तो आखिर में बिल कराएंगे तो पैसे दे देंगे। अब वापस जा के चीज़ें रखी हैं भाई मैंने, मतलब सीन ऐसा है कि वो स्ट्रॉबेरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उठा के ला के ट्रॉली में डालनी और शी थिंक दैट कि बिल तो बाद में होगा तो उसमें कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि इस तरह की मार्केट में जो है वो बरीरा फर्स्ट टाइम आई है तो उनको आइडिया नहीं है इस चीज़ का। खैर फिर बाद में सारी चीज़ें ले आके वापस रखी, लेकिन इसमें बरीरा की कोई गलती नहीं, क्योंकि बरीरा सुपर मार्केट में जाने की आदी है तो इनको आइडिया नहीं है कि मंडी के अंदर जो है ना, और सब्जी मंडी फ्रूट मंडी के अंदर हाथ के हाथ पैसे देने होते हैं और चीज़ें लेनी होती है। तो खैर अप्रॉक्सीमेटली सारी चीज़ें हो गई हमारी, अब हम जो है ना वो वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं और चीज़ों को क्लोज कर रहे हैं। वही बरीरा की स्ट्रॉबेरी भी हो गई एट लास्ट, वो बेचारी दूसरी दूसरी जगहों से उठा उठा के ला ला के रख ले रही थी और मैं वापस ले आके रख दे रहा था, तो एट लास्ट हमें 5 धर्म में स्ट्रॉबेरीज भी मिल गई और हमने वो स्ट्रॉबेरी भी ले ली है। अब जो है वो सारी चीज़ें हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, वाइंड अप करेंगे, चीज़ों को आराम से रखेंगे। अच्छा जी, तो ये था आज का रिव्यू जो कि हमने बनाया फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के हवाले से। तो आपने देखा कि कितने चीप प्राइस मिल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू सुपरमार्ट्स, बकाला शॉप्स, हाइपरमार्केट, उनसे बहुत, मतलब समझ लें कि 20-30 टाइम्स जो है ना वो नीचे मिल रहा होता है। मैंने सिंपल एक अगर मैं आपको मिसाल दूं बनाना की, तो बनाना आप देखिए ना यार, 8 धर्म पर केजी मिलता है सुपरमार्ट्स पे, यहाँ पे हमने 8 धर्म पर डजन लिया, तो एक डजन मेरे हिसाब से तो 2-3 किलो से तो ऊपर का होता है भाई, क्योंकि केले बड़े वाले होते हैं यार यहाँ पर। तो खैर बहुत इम्पेक्ट पड़ता है सब चीज़ों को, और रमज़ान के अंदर यार आपने जब फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, सब्जियां बढ़ जाती हैं इस्तेमाल में, मतलब देखिए आलू वगैरह तो इसको कटलेट्स बनाने में, आलू की भुजिया बनाने में, वट एवर, इन सब चीज़ों में कंजम्पशन इसकी ज़्यादा है। तो इस तरह से आगे अगर आप लोग ले लेंगे तो आपको एक तो चीप प्राइस पड़ेगा और एक अच्छा सेटअप चलता रहेगा, ठीक है। और वो लोग जो कि यूएई में नहीं रहते उनको दिखाने के लिए कि भाई देखिए ये चीजें तो यहाँ पर एज यूजुअल भी इसी प्राइसेस में मिल रही होती है, और रमजान में क्या है कि सुपरमार्केट्स में और इन सब जगहों पे और प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ के सिटीजन्स को जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाती है, ताकि हर इंसान अच्छे तरीके से रोजा इफ्तार कर सके और इजीली होकर अपनी फैमिली को अच्छा खाना खिला सके यार, ठीक है। ये एक बेस्ट पार्ट है जो कि मैंने पाकिस्तान से बाहर निकलकर देखा, क्योंकि आप, मैं सिर्फ इसमें पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या हमारे जितने भी देसी ममालिक है ना, यहाँ पे होता यही है कि जब भी कोई ओकेजन आएगा ना तो प्राइजेस हाई हो जाएंगे। इवन के आप जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं वो मुझे इस चीज में कंफर्म करेंगे कि दिवाली में जो है वो चीजें महंगी हो जाती है, इवन के गोल्ड तक महंगा हो जाता है दिवाली में, क्योंकि उसकी सेल बढ़ रही होती है। तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड में है, और अच्छा लगता है यार कि एक कोई ओकेजन आ रहा है ना तो उसमें गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का रिव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, तो इसी तरीके से इस चेन को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, रमज़ान से रिलेटेड जो जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं वो दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, और किस तरह से रमज़ान को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें भी आपको अपकमिंग वीडियोज़ में देखते रहने को मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।